नमस्कार। आज हिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे के विषय में जानेंगे। मतलब हम इतिहास के बारे में जानेंगे कि क्या हुआ था पुराने समय में, कब कौन सी घटना हुई, कहाँ हुई और इन सब के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो राशिदा नामक एक बालिका के साथ होती है और राशिदा का एक सवाल उठा है। देखें क्या है। राशिदा बैठी हुई अखबार पढ़ रही है, अचानक उसकी निगाह न्यूज़पेपर की एक हेडलाइंस पे पड़ती है। जो हेडलाइंस थी 100 साल पहले, इसको पढ़ते ही वह सोचने लगती है कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ होगा। तो कैसे पता लगाया जाए, इसके बारे में आपका चैप्टर आपको बता रहा है कि ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, आप रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, न्यूज़ देख सकते हो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि लास्ट ईयर यानी पिछले साल क्या हुआ था, हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिससे उस घटना के बारे में याद हो, लेकिन सालों साल पहले यानी हज़ारों साल पहले क्या हुआ था एग्जैक्टली, ये कैसे जाना जाए। तो ये चैप्टर हमें अतीत के बारे में बताएगा कि हम क्या जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं, पुराने लोग कहाँ रहते थे, कैसे जीवन जीते थे और उन्होंने कृषि करना कैसे स्टार्ट किया, सभ्यता कैसे स्टार्ट हुई और कैसे आदि मानव से एक इंसान की ज़िंदगी में लोगों में परिवर्तन आया। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं हमारा अगला टॉपिक है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे क्या क्या, लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे आदि आदि। हम आखेटकू यानी शिकारी जो होते थे, हंटर्स, पशुपालक, कृषकों, शासकों, व्यापारियों यानी ट्रेडर्स, पुरोहितों, शिल्पकारों, क्राफ्ट्स पर्सन, कलाकारों, आर्टिस्ट, संगीतकार, आपके म्यूजिशियन या फिर वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से गेम खेलते थे और कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत या गानों को गाया करते थे। ठीक, तो हम अतीत के बारे में इतना सब जानते हैं। लोग कहाँ रहते थे, हमें पीछे एक मैप दिया हुआ है, इसमें नर्मदा के बारे में पूछा है। नर्मदा नदी ये देखिए बीचों बीच आपके भारत के मैप में नर्मदा नदी यहाँ पर आ रही है। तो नर्मदा नदी का पता लगाने के लिए बोला है, हमने पता लगा लिया कि ये भारत के बीचों बीच में नर्मदा नदी यहाँ पर दिखाई देती है हमें। क्या कह रहे हैं, कई लाख वर्ष पहले लोग जो थे इस नदी के कोने पर आकर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले जो आरंभिक लोग थे यानी स्टार्टिंग में से जो लोग थे वो कुछ कुशल संग्राहक थे। अच्छा, संग्राहक मतलब कलेक्टर, कलेक्शन जो करते थे चीज़ों का, कलेक्ट करके जो रखते थे, संग्रह करके रखते थे, उनको संग्राहक कहते हैं। तो ये जो लोग थे उनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विपाल संपदा से बहुत अच्छे से वेल नोन थे, बहुत अच्छे परिचित थे अपने भोजन के लिए। वो जड़ों, फलों, जंगल और अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे यानी यहीं से लेकर आते थे। फिर जानवरों का आखेट भी करते थे, आखेट मतलब शिकार यानी हंटिंग भी किया करते थे। तो अब तुम ये, अब नर्मदा नदी के बाद इन्होंने कहा है कि आप उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में पता लगाओ। उत्तर पश्चिम ये हो गया, ऊपर आपका नॉर्थ है और ये इस हाथ पर ये देखिए सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को दिखाया गया है। इस सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में ये बोल रहे हैं कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ 8000 वर्ष पहले लोगों ने यानी स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल उगाना स्टार्ट किया। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है अक्सर, ये एक नॉलेज पर्पज से भी क्वेश्चन आपका बहुत बनेगा कि वो कौन सी जगह है सबसे पहले जहां गेहूं और जौ की फसल उगाना स्टार्ट किया। तो आप कहेंगे लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसल उगाना स्टार्ट किया। यहाँ से हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं यानी एविडेंस मिले हैं। उन्होंने यानी ये किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के रहने वाले लोगों ने ही सबसे पहले भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। अब उत्तर पश्चिम में ये कह रहे हैं गारो और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। ये देखिए गारो पहाड़ियाँ, ये गारो पहाड़ियाँ हैं और ये नर्मदा के ऊपर आप देखिए विंध्य की पहाड़ियाँ। अब इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, ये बता रहे हैं कि ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था और यहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया यानी
गारो पहाड़ियों पर सबसे पहले चावल उगाया गया और ये सुलेमान और किरथर में जौ और गेहूं की फसल सबसे पहले उगाई गई। ठीक है, आगे बढ़ें। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बारे में पता लगाने को कह रहे हैं। फिर से हम मैप देखें अपना और फिर से हम कोशिश करें इसमें सिंधु नदी देखने की। अब सिंधु नदी के आसपास जितनी भी नदियां हैं, आप ये देखिए सिंधु नदी और इसकी ये सहायक नदियां, सहायक नदियां मतलब जो इसकी सपोर्टिंग हेल्पिंग रिवर्स होती हैं, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास आदि आदि। ठीक, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं, यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है कि क्या होती हैं हेल्पिंग रिवर्स। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है और लगभग 4700 यानी 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ स्टार्टिंग में नगर बस गए थे और फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे और इसके समुद्र के तटवर्ती इलाकों में यानी पास पास के गांव इलाकों में नगरों का विकास लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। तो एक आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे में जो नगरों का विकास था वो कितने साल पूर्व हुआ, तो आप कहेंगे 2500 वर्ष पूर्व। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाने के लिए बोला है। अब गंगा देख लें एक बार, गंगा और सोन नदी देखिए, ये रही गंगा और ये रही नीचे सोन विंध्य पहाड़ियों के ऊपर। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन भारत के मगध यानी वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हुए और उन्होंने बड़ा विशाल साम्राज्य भी स्थापित किया। देश के कई अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। अच्छा, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के दूसरे हिस्से, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण यात्राएं बड़ी जोखिम भरी हो जाती थी, बड़ी डिफ़िकल्ट होती थी। फिर भी वो यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं नेचुरल डिजास्टर से बचने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त जो व्यापारी लोग होते थे वो काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने मूल्यवान वस्तु लेकर सामान को बेचने खरीदने के लिए एक दूसरे स्थान पर जाते थे। और जो धार्मिक गुरु होते थे वो लोगों को शिक्षा, सलाह या समझाने के लिए एक गाँव से दूसरे गाँव पर या एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाते रहते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकतावत बड़े जोश के साथ यात्रा करते थे घूमने के लिए कि नई जगह देखेंगे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अब ये कह रहे हैं कि एक बार फिर मानचित्र वन देखो, यहाँ पे पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र और उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन जिन्होंने चाहा वो ऐसा कर पाए। वे पर्वतों की ऊंचाई भी छू सके और गहरे समुद्रों को पार भी कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इसी आने जाने जिसको आवागमन कह रहे हैं ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को और समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कि देश का नाम कैसे, क्या हुआ और कैसे हुआ। अपने देश के लिए हम नॉर्मली भारत, इंडिया जैसे शब्दों का नाम का इस्तेमाल करते हैं। अब इंडिया शब्द आया कहाँ से, इसका ओरिजिनेट कैसे है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिया शब्द इंडस से बना है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जो हमने सिंधु नदी देखी अभी मानचित्र एक में, सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस कहते हैं, तो इंडस शब्द से निकला इंडिया। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम के ओर से आने वाले ईरानियों, यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा या इंदोस कहने लगे थे, तो इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है, यानी भारत जो भारत नाम है हमारा, इस उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह को कहते हैं। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की बहुत पुरानी, जो हमारी सबसे पुरानी पुस्तक है, लगभग 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, यानी भारत से भारत नाम बदल गया। तो अतीत के बारे में और हम कैसे जानते हैं? हम ये कह रहे हैं कि अतीत के बारे में भाई, आज तो हमारे पास बहुत सारे मीडिया में, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट पुराने समय से क्या हुआ था वो आज हम कैसे जानते हैं? तो इसके बारे में एक सबसे बड़ी चीज़ होती थी कि जो पुराने लोग होते थे या पुराने संत, पुराने विद्वान, वो हाथ से पुस्तकें लिखते थे।
उसका एक नमूना नीचे भी दिया गया है, ये देखिए। ये लिपि आपको भी बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन ये पांडुलिपि का एक तरीका है। मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है इसको इंग्लिश में, लैटिन वर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू का मतलब होता है हाथ से लिखा गया, तो ये पांडुलिपि लिखी जाती थी हाथ से किताबें ताड़ वृक्ष पर। कैसे कहाँ कैसे होती थी ये पांडुलिपि? नॉर्मली ताड़पत्र, एक पत्र ताड़ का वृक्ष होता है, उसकी छाल अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले एक भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार कर भोजपत्र पर लिखी जाती थी। इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। तो पुराने जितने भी विद्वान थे जो ये लिख के चले गए, आज तो हमारे पास प्रिंटिंग मशीन है, फोटोकॉपी है, तो हम उससे अपनी किताबों को छाप लेते हैं या लिख लेते हैं या कंप्यूटर पर टाइप कर लेते हैं, लेकिन उस समय पांडुलिपि का एकमात्र जरिया हुआ करता था। इसके अलावा कुछ पांडुलिपि ऐसी होती थी क्योंकि ताड़पत वृक्ष के पत्तों इस पे छालों पर बनाई जाती थी, तो कभी उसमें कीड़े लग जाते थे, कभी दीमक लग जाती थी या किसी कारण से वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी। लेकिन फिर भी आज भी हमारे पास पुरानी कई पांडुलिपियाँ आज भी अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट उनको बहुत सिक्योरिटी के साथ रखती है। प्राय पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती थी। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं होती थीं या पांडुलिपियों में लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधियों का ज्ञान या फिर विज्ञान आदि के बारे में चर्चा मिलती है, जो हमारे पास जितनी भी पांडुलिपियाँ अवेलेबल हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कथाएँ, नाटक, कविताएँ आदि भी पांडुलिपि में लिखी गई हैं, मिली हैं। इनमें से कई संस्कृत में भी लिखे हुए हैं, जबकि कुछ अन्य प्राकृतिक और तमिल भाषा में भी है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग उस समय आम इंसान करता था, जो साधारण इंसान होते थे। ठीक, ये एक तरीका हो गया हमारा पांडुलिपि, कि हमें अतीत के बारे में पांडुलिपियों के जो साक्ष्य मिले हैं उससे पता चला। दूसरा आता है बेटा अभिलेख। अभिलेख को कहते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन होती है ऐसे लेख, ऐसी कोई भी चीज़ लिखी गई, या तो वो पत्थर पर लिखी हो या फिर किसी ठोस धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करके लिखा जाता है, जिसका एक नमूना आपको नीचे दिया गया है। ठीक, ये जो अभिलेख होते थे प्राय राजा लिखवाया करते थे, कारण ताकि वो जनता तक अपने संदेश पहुंचा दें। वो क्या करते थे, नगर चौराहे में या किसी अच्छी सतह पर पत्थर पर अपने आदेश लिखवा देते थे कि प्रजा एज ए पब्लिक उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या फिर कोई अच्छी उपदेश लिखना है अगर, तो उसको हमेशा के लिए गुदवा देते थे। इसे लिखवाने से अच्छा अगर हम गुदवाना या उत्कीर्ण करना कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंस्क्रिप्शन एंड मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब पांडुलिपि और अभिलेखों में अंतर क्या है। तो हम कहेंगे पांडुलिपि तो भुज नामक पेड़ की छाल पर, ठीक है, या ताड़पत्रों के उस पर लिखी जाती थी, और जो इंस्क्रिप्शन है यानी अभिलेख है वो किसी पत्थर या किसी धातु पर, कठोर चीज़ पर गोद कर लिखी जाती थी, उत्कीर्ण करके लिखी जाती थी। ठीक है, और अक्सर ये जो अभिलेख हैं ये राजा जैसे कोई बड़ी बैटल जीत कर आता था, कोई विजय प्राप्त कर आता था, तो उसके बारे में अपनी प्रशंसा के लिए लिखवाया जाता था। इसके अतिरिक्त बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। जैसे पुराने लोगों ने पता लगाया कि भाई घरों में किस प्रकार की ईंट में क्या लिखा है, इमारतों के अवशेष जो हैं, चित्र बनाए होते थे पुराने, या औजार है, हथियार, बर्तन, आभूषण, जो ज्वेलरी लेडीज़ पहनती थी, इन सभी के आधार पर भी हमें बहुत सारे अतीतों के बारे में जानकारी मिलती रहती है। भैया हमारे पास कौन कितनी लिस्ट हो गई, या तो हम इंस्क्रिप्शन से देख सकते हैं पुराने समय में लोग क्या कैसे और कहाँ पर किस प्रकार से कार्य करते थे, कैसे होते थे, क्या विचार रहते थे, या फिर हम मैन्यूस्क्रिप्ट से पता लगा लेते हैं, या फिर हम ज्वेलरी हमें मिली है, या जो बर्तन हैं, यूटेंसिल जो यूज़ किए गए हैं, या हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, इनसे हमें पता चलेगा। और एक और बहुत अच्छा मीडियम है वो है सिक्कों का, यानी कॉइन्स, मुद्रा। ये जो कॉइन्स होते थे, हर राजा अपने हिसाब से कॉइन्स बनवाने की कोशिश कर रहा होता था, हर कोई अपनी बढ़ाई के लिए उसमें अपने बारे में लिखवाता था। आज भी हम देखें तो हमारी जो नोट होते हैं या सिक्का है उसमें भारत सरकार के बारे में थोड़ी सी भारत सरकार की मोहर होती है, हमारी राष्ट्रीय मोहर लगती है, उसके बाद वो वैलिड होता है जो भी मनी होती है हमारी। ऐसे ही प्राचीन समय में भी लोग सिक्कों का इस्तेमाल के द्वारा भी जो हमें आज साक्ष्य मिले हैं उससे हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। ठीक, और बहुत बड़े मात्रा में अगर हम खोदने पर हड्डियां मिली हैं हमें किसी जानवर की, तो इससे भी हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और एक
कपड़ों के अवशेष भी मिले हैं कई जगहों से, तो वहाँ हमें कपड़ों के बारे में पता चलता है कि लोग इस टाइप के कपड़े पहनते थे। पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहास का प्राय स्रोत यानी सोर्स शब्द का प्रयोग करता है, यानी जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, नॉलेज जो प्राप्त हुई है उसको स्रोत कहा जा रहा है। और कौन कह रहा है ये? जो हमारे इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो कह रहे हैं। स्रोत के प्राय प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत मज़ेदार हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे पुराने समय का फिर से निर्माण करने की कोशिश करते हैं। आते हैं इतिहासकार और तथा पुरातत्वविद उस जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास कर रहे होते हैं। अतीत एक है या अनेक है, ये क्वेश्चन पूछा है। क्या आपने ध्यान दिया कि हमारा जो पुस्तक का शीर्षक है हमारे अतीत, इस पे अतीत का शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है, मतलब प्लुरल फॉर्म में हुआ है, सिंगुलर में नहीं हुआ, नहीं किया गया। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। जब अगर छाते को उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि एक पशुपालक और कृषक का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से बिल्कुल अलग था, व्यापारियों का जीवन बिल्कुल शिल्पकारों से अलग था और शिल्पकारों का व्यापारियों से अलग था। जैसा कि हम आज देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज पालन करते थे। फिर एक एग्जांपल बता रहे हैं कैसे करते थे। उदाहरण के लिए कहेंगे अंडमान द्वीप जो है उसके अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर करते थे, शिकार करके या फल फूल के संग्रह के द्वारा। इसी के बीच अगर शहरों में उस समय भी या आज भी हम शहरों में रहने वाले लोगों को देखेंगे तो फूड सप्लाई यानी खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी होते थे और आज भी ये होते हैं, ठीक है। जैसे आज एक और तरह का भेद पाया जाता है, जैसे उस समय शासक जो थे राजा अपनी विजयों का यानी अपनी जीत जो कर कर आते, वो जीतते थे जिन जिन चीज़ों का, उनका लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों द्वारा उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, है ना। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, ये जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग होते थे, आम लोग होते थे, ये नॉर्मली अपने कामों का कोई ब्यौरा नहीं रखते थे, कोई अकाउंट नहीं बना के रखते थे। राजा तो बनाता था कि भाई मैंने इतनी बैटल जीती, इंस्क्रिप्शन पे भी लिखवा देते थे, ठीक है, नगर में ढिंढोरे पिटवा देते थे या किसी में पब्लिश किसी पुस्तक लिखने वाले को बोल देते कि भाई लिखो हमने इतने में विजय प्राप्त करी। लेकिन ये जो मछुआरे, शिकारी, संग्राहक, कृषक, फार्मर्स होते थे, ये थोड़ी लिखवाते थे कि हमने फलाने दिन इतनी तारीख को जो है शिकार किया, इतनी तारीख को शेर मारा, इतनी तारीख को बकरी मारी, ऐसा नहीं है। तो आम इंसान ऐसा नहीं करता था तब भी और आज भी नहीं करता आम इंसान। तो पुरातत्व के सहायता से हमें इन सब के जीवन में थोड़ा थोड़ा जानने की पूरी मदद मिलती है, ठीक है। अब आते हैं डेट का क्या मतलब है, तिथियों का मतलब क्या है। अगर कोई तुमसे तिथि के बारे में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, महीना या वर्ष के बारे में बात करोगे, जैसे भाई ये 2020 चल रहा है, ठीक है, यही है ना। वर्ष की ये जो गणना है, जो आज हम 2020 में पहुँचे हैं, इसको स्टार्टिंग कैसे हुई है, अनंत काल से सृष्टि चल रही है, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं था। तो सारे साइंटिस्ट ने मिलकर सोचा कि क्या करें, कोई एक डेट सब मान्य। तो हमने क्या किया, पुराने समय से ये चलता आ रहा है कि वर्ष की जो गणना है ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से मानते हैं, ठीक है, और आज उसी को हम ईसा पूर्व के, और ईसा के जन्म से जितनी भी पूर्व की चीज़ें होती थी उसको हम ईपू यानी ईसा के जन्म से पहले के रूप में जानी जाती है, ठीक। तो 2000 को अगर हम अपनी पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व तिथियों का उल्लेख करेंगे तो हम कैसे कैसे कहेंगे, यानी आज हम कहेंगे कि आज हम ईसा एडी 2020 में है, यानी 2020 आ गया है। अब इतिहास और तिथियों को एक बार फिर देख लेते हैं। अंग्रेजी में बीसी मतलब हिंदी में ईसा पूर्व हो गया, बिफोर क्राइस्ट का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म से पहले। और कभी कभी हम तिथियों में, आपने भी पढ़ा होगा किताब में, अब आप आगे भी पढ़ेंगे, ये तो पहला ही चैप्टर है, कि हिंदी में एडी लिखा होता है। तो एडी का मतलब होता है एनोडोमिनी, ये दो लैटिन वर्ड से बना है, इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, ठीक है, ये आपको जानना है। अच्छा, कहीं और भी हमने बहुत कुछ देखा कि क्या सिर्फ सिंधु घाटी, सुलेमान पहाड़ियाँ, इन्हीं पे सभ्यता थी, हमने कहा नहीं, और भी हमने बहुत चीज़ देखी। जैसे आपको यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, स्क्वायर है, हाफ सर्कल है, ये लायन है, कुछ तिरंगे टाइप के हैं, कुछ औजार है, नीचे कौवे हैं, बैठा हुआ शेर है छोटा, ट्रायंगल बना हुआ है, इन सब का अर्थ निकालने की प्रक्रिया का पता लगाया
जा सकता है, और ये हमारी निकली हुई अर्थ है, ये लिपि मिली है हमें, ठीक है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाएं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका। विद्वान ये कैसे पता लगाते थे कि क्या लिखा था, क्योंकि खाली सिंबल होते थे, खाली प्रतीक चिन्ह होते थे जैसे कि नीचे दिए हुए हैं। तो इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता था कि भाई अननोन इस लैंग्वेज को हम कैसे समझे, तो इसकी डिकोडिंग की जाती थी। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। ये उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र की एक कहानी है जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, इसका साक्ष्य हमें देती है। क्या बात कर रहे हैं ये कि मिस्र के उत्तर तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं या लिपियों में लिखे गए हैं, जिसमें एक तो यूनानी है, यूनानी लिपि है, और दूसरी 2 मिश्र लिपि के 2 प्रकार हैं। कुछ विद्वान यूनानी पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये जो मिस्र के यहाँ के जो राजा रानी होते थे, इनके नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, और इस छोटे से फ्रेम को कहते हैं कारतूस। क्या कहते हैं? कारतूस। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि मिस्र के जो राजा रानियों के नाम थे, छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहा जाता था। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अलग बगल रखते हुए मिश्री अक्षरों का समान अर्थ ध्वनियों की पहचान करी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया बने हैं। एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए देखो ये चिड़िया बनी हुई है। ये इन्होंने डिकोड किया है कि इसको ऐसा कहा जाता होगा। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि भिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ पाए और अतीत के बारे में हमें और ज़्यादा बता पाए। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर छोटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।